अपना परिचय दे दें, किस लिए आज सचिवों ने ज्ञापन दिया है? अभी तो हम ये देख रहे हैं जिन्होंने दिया है जी, क्या है ऐसा है, भारत सरकार ने हर जिले में टॉप 20 यूरिया बायर्स की एक सूची सिस्टम से निकाली और वो जांच करा ली जाए, ठीक है। वो जांच SDM से कराई गई, SDM ने पाया कि जो दिशा निर्देश हैं उसके तहत ये यूरिया की बिक्री नहीं हुई है। हमारे सचिवों के सामने समस्या क्या है, इनके यहाँ नेटवर्क नहीं रहता है, POS मशीन की जानकारी नहीं है, इन जानकारी के अभाव में कुछ इनसे त्रुटियाँ हुई है। उसी में जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिया कि भाई सबके कृषि अधिकारी कार्रवाई कराएं, कृषि अधिकारी ने निर्देश दिया कि FIR करवाएं, उस पर ये FIR हुई है। और जहाँ तक इस ज्ञापन की बात है, ज्ञापन तो हम ले ही रहे हैं, ये हमारे नाम ही लिखा है जी जी, ठीक है। आप लोग जो भाई इसका लीगल रिमेडी कहीं होती है आप लोग, ठीक है, ठीक है। अपना परिचय देते हैं। अमरेश बहादुर सिंह, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी संघ। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या कहा है? ज्ञापन हमने दिया है उसी जो FIR हुई है उसके वापसी के लिए, और जो निलंबन की कार्रवाई सचिवों की हुई है उसके विरोध में, प्रभार समाप्त किया गया है कुछ सचिवों का उसके विरोध में हमने ज्ञापन दिया है कि अगर 17 तक हमारी इस पर कोई मांगे नहीं मानी जाती, निलंबन वापस नहीं किया जाता, FIR वापस नहीं की जाती, तो हम लोग 18 से पूरे जनपद की समितियों में तालाबंदी करेंगे पूर्ण कार्य बहिष्कार। क्या कहा है यार साहब ने? आश्वस्त किया है कि आप लोग भी देखते रहिए और हम भी देख रहे हैं कि इसमें क्या कार्रवाई की जा सकती है, जहां हमारा सहयोग होगा हम आपके साथ रहेंगे। ज्ञापन दिया आज आप लोगों ने? मेरा नाम गौरव वाजपेयी है, मैं सहकारी समिति बहाई में कैडर सचिव हूँ। आज हम लोगों ने सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता RS सेंगर जी को आज ज्ञापन दिया है, और उसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं आपकी बात जो है अधिकारियों तक पहुंचाऊंगा और कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ आपके समक्ष इसकी समस्या का हल निकले। और उन्होंने और भी आश्वासन दिया है कि इसके लिए जो है आप लीगल भी प्रक्रिया कर लीजिए। कौन कौन आया है साथ में? हमारे साथ जो है अध्यक्ष महोदय कर्मचारी संघ और महामंत्री महोदय, संरक्षक महोदय, सदस्य अनुराग कुमार और महेंद्र कुमार और तिवारी जी, चंद्र प्रकाश और रविकांत शुक्ला जी।